Fredricks. चली गई है सर। कौन है अंदर? अंदर कौन है? रंग का डब्बा? ये यहां पे कैसे आया? किसने रखा होगा इसे? कौन है यहां पे? अंदर कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? सलामत है, बचाओ मुझे, माफ कर दो सलाम। भारी चीज से मारा है। कई बार किए गए हैं सर। लगता है जब तक मर नहीं गया है तब तक खूनी से मारता रहा है। बेचारा। खूनी का हथियार? देखो खून भी बहुत सारा लगा है। आप ही मालिक है ना इस घर के? जी सर, मैं ही मालिक हूं। मेरा नाम मनु है और ये मेरा नौकर था देव। समझ नहीं आ रहा इस गरीब आदमी की किसने जान ले ली। वैसे मनु जी, तुम्हें पता कब चला? सर मैं आज सुबह जब उठा और चाय के लिए देव को आवाज दी तो बहुत देर तक देव आया नहीं। यहां कर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। क्या लिखा है? वाज और स्प्रे पेंट रख लो, शायद इसमें खूनी की उंगलियों के निशान मिल जाए। साहब ये देखिए। माय गॉड, मैं मार डालूंगा तुम्हें भी और उन्हें भी जिन लोगों को तुम चाहते हो। है कौन ये खूनी जो नौकर को मारने के बाद अब धमकी भी दे रहा है? लगता है मनु साहब ये धमकी तुम्हारे लिए ही थी।
किसी चीज को लेकर आपका किसी के साथ झगड़ा है, कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। जब ये खून हुआ था तो आप कहाँ पे थे? मैं अपने ऊपर वाले कमरे में नींद की गोली लेकर सो रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि नीचे ये सब हो रहा है। वैसे किसी के ऊपर शक है तुम्हें? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। पता नहीं कौन है जो ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। करते क्या हुआ? जी मैं एक लेखक हूँ, कुछ किताबें वगैरह लिखता हूँ। मैंने एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसका नाम था शौकीन। सर, मैंने भी बहुत नाम सुना इस किताब का, बहुत अच्छी किताब ही है। लेकिन आजकल मुझे कोई नहीं पूछता सर, और ना ही मेरी कोई लिखाई पसंद करता है। ऊपर से ये हमला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। घबराइए मत, जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे इस खूनी को, तब पूछ लेना उससे क्या बिगाड़ा है तुमने उसका। सर कमाल की बात कि घर में घुस के खूनी ने नौकर का खून भी कर दिया और मनु को पता तक नहीं चला। हो सकता है ये मनु झूठ बोल रहा हो हमसे। मुझे तो लगता है वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया होगा, और जैसे ही खूनी नौकर का खून करके चला गया ये बाहर निकल गया है। सर लेकिन खूनी के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि जिस बात से उसने नौकर पे हमला किया था उस पे उंगलियों के निशान नहीं है, और ना ही उस रंग के डब्बे पे उंगलियों के निशान है। सचिन, ये मनु मशहूर बिजनेसमैन राजेंद्र का सौतेला बेटा था? हाँ सर, और इसका एक सौतेला भाई भी है रोहन। राजेंद्र ने अपनी सारी जायदाद मनु के नाम कर दी और उसमें से रोहन को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून रोहन ने किया हो प्रॉपर्टी की लालच में? शक तो उसी पे जाता है। सर मेरा नाम विक्रांत है, मैं पब्लिशर हूँ। आपका फोन आया था मुझे। हाँ मिस्टर विक्रांत, हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं मनु के बारे में। सर प्लीज, मनु के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछिए। क्यों, क्या हुआ? सर मैं उसी की वजह से बर्बाद हो गया हूँ। मगर तुमने तो उसकी पहली किताब छापी थी और उसमें काफी कमाई भी की थी, तो बर्बाद कैसे हो गए? सर मैं मानता हूँ कि उसकी पहली किताब मैंने छापी थी और वो काफी हिट भी हुई थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई सर। मैंने उसे 3 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। फिर क्या हुआ? सर उसकी पहली किताब शौकीन तो बहुत अच्छी चली, लेकिन बाकी दोनों बिल्कुल बेकार। ऐसा क्या हुआ कि पहली किताब तो चल निकली लेकिन बाकी की 2 किताबें बिल्कुल नहीं चली? सर उसकी दोनों किताबों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उसने पहली किताब कहीं ना कहीं से चोरी की होगी। सर क्यों, ऐसा क्या था इन 2 किताबों में? एकदम बकवास है सर, उसने क्या लिखा था, क्या समझाना चाह रहा था, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये भी तो हो सकता है मिस्टर विक्रांत कि तुम ही मारना चाहते हो मिस्टर मनु को, उसके नौकर का खून भी तुमने ही किया। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं जुबान से भले ही कुछ भी कह सकता हूँ लेकिन मैं सब किसी की जान नहीं ले सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो, हम अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। ओके सर। सर हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला वो रंग के डिब्बे कहाँ से खरीदे गए? हाँ सर, पेंट के डिब्बों पे जो लेबल लगे हुए थे उनसे पता चला है कि वो डिब्बे लोखंड वाला से खरीदे गए हैं, किसी पीके हार्डवेयर से। पीके हार्डवेयर से, चलो चल के देखते हैं कि वो पेंट के डिब्बे किसने खरीदे थे। सर इस रंग के डिब्बे पे इसी दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है सर। चमत्कार देखो सर, बिना आदमी के दुकान चल रही है। बोलो साहब, मैं यही हूँ, नीचे थोड़ा सामान सजा रहा था। क्या चाहिए आपको? ये रंग का डिब्बा आप ही कहाँ से खरीदा गया? हाँ ये डिब्बा हमारी दुकान से खरीदा गया है। किसने खरीदा था कुछ मालूम है आपको? ये तो याद नहीं कि ये डिब्बा किसने खरीदा और किसने नहीं खरीदा, इतने ग्राहक आते हैं कि याद रखना बड़ा मुश्किल है। मगर आप ये सब बात क्यों पूछ रहे हैं? देखिए हम लोग CID से और एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। खून? देखिए घबराइए मत, आप सोच के बताइए, पिछले 2 दिनों में आपके यहाँ से इस रंग का डब्बा कोई खरीद के ले गया था क्या? पिछले 2 दिनों में? सर इस तरह तो बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतने ग्राहक आते हैं कि याद रखना थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, फिर भी सोचने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए, और आइंदा कोई भी ऐसे रंग का डिब्बा खरीदने आए
तो हमें जरूर बताना, ठीक है? जी सर, थैंक यू, नमस्ते। मनु तुम्हारा भाई है ना? जी हाँ, भाई है मगर सौतेला। मगर आप मनु के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कल रात किसी ने मनु पे हमला किया और उसके नौकर का खून कर दिया है। अरे लेकिन सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैंने अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए उससे। क्यों? मनु ने दौलत में से तुम्हें कुछ नहीं दिया इसलिए ऐसा बोल रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये हराम की दौलत सर। मेरा ये घर महलों से कम नहीं है और ये दौलत सब यहीं रह जाएगी सर। सिर्फ अच्छाइयां साथ जाती हैं जो उसके अंदर जरा भी नहीं। क्यों? मनु सही आदमी नहीं है क्या? एक नंबर का धोखेबाज है सर, हमेशा घमंड में रहता है, पैसों की अकड़ है उसके अंदर। कल रात को कहां पर थे तुम? जी मैं तो घर पे ही था सर। अच्छा, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए। लेकिन सर मेरी उंगलियों के निशान क्यों? मैंने थोड़ी हमला किया उस पर। जितना बोला है उतना ही करो, उंगलियों के निशान दो। अभिजीत, मुझे शक है ये रोहन हमसे कुछ छुपा रहा है, किसी बात को दबा के रख रहा है। बात ही कुछ ऐसी कर रहा था। मुझे लगता है ये हमला करने वाले को जानता होगा, इसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। Come on. Damn it. लोग पता नहीं फोन क्यों ले लेते हैं जब उठाना नहीं होता। किसी को फोन लगा रहा था सर, लेकिन लग नहीं रहा था इसलिए बार बार ट्राई कर रहा था। अभिजीत देखते हैं कहां जाता है। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। साफ साफ बोलो ना, मैंने क्या काम बिगाड़ा है? मनु, मनु क्या किया मनु ने? तुम्हारे घर आया था वो? नहीं, वो मेरे घर नहीं आया, मगर किसी ने उस पर हमला किया है, मारना चाहता है कोई उसे, और सीआईडी वाले मेरे घर तक आए थे, शक कर रहे हैं वो मुझ पर। और तुम भागे भागे यहाँ चले आए है ना? हाँ, तुम्हारे अलावा उस पर कौन हमला कर सकता है? पागल जैसी बातें मत करो, मैं क्यों हमला करूंगी उसके ऊपर? हो सकता है कि बदला लेना चाहती हो तुम उससे। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा है करने के लिए। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो? आप लोग कौन हैं? और इस तरह बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुस गए? मौका अच्छा था पूछना, उचित नहीं समझा गुस्सा? वैसे हम सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर? क्या काम है ऑफिसर? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मनु के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं सब सच सच बता दें। सर सच ये है कि नेहा और मनु पति पत्नी थे। क्या पति पत्नी थे? क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम दोनों पति पत्नी नहीं है। मैंने तलाक के लिए अर्जी दे रखी है कोर्ट में। मनु को इसके बारे में मालूम है? मनु सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि तलाक लेने में रोहन मेरी मदद कर रहा है। अच्छा, और आपको तलाक क्यों चाहिए मनु से? वो साथ रहने लायक है ही नहीं, उससे किसी की हंसी बर्दाश्त नहीं होती, उसे बीवी नहीं गुलाम चाहिए थी, और उसका किसी और से अफेयर भी है। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती, मगर मुझे ये खबर मिली थी कि अब उसने उससे भी नाता तोड़ लिया है। वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकता सर, उसे कोई चाहिए ही नहीं। हमें वो लड़की चाहिए, और वो लड़की कौन है ये मनु ही बताएगा। मिस्टर मनु, आपने हमें बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं? सर मैं शादीशुदा जरूर, पर मेरी बीवी के साथ जमती नहीं, और वो भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों तलाक ले रहे हैं। हम लोग अभी अभी आपकी बीवी से मिल के आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि आपका किसी और लड़की के साथ संबंध है, इसलिए आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी सर, ये बात सच है कि मेरे किसी और लड़की के साथ संबंध थे,
उसका नाम प्रीति था। मैं उससे प्यार जरूर करता था, पर जब मुझे पता चला कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। कितने दिनों तक संबंध रखे थे तुमने उस प्रीति से? जी ये कोई 3 महीना। हो सकता है वही प्रीति तुम्हारे पीछे पड़ी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता सर कि प्रीति ये सब कर सकती है। खैर आप जरा एड्रेस दीजिए उस प्रीति का, हम पता लगा लेंगे वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। प्रीति ये दरवाजा, दरवाजा तो खुला हुआ तो है कि नहीं घर पे? हेलो कोई है घर पे? प्रीति, प्रीति लगता है कुछ गड़बड़ है। संभाल गए पहुंचने से पहले इसे भी मार दिया। इसे भी ठीक उसी तरह से मारा है जैसे मनु के नौकर को मारा गया था। घर को छान मारो अच्छी तरह से। आसपास तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, शायद ये लड़की अकेली रहती थी, इसीलिए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और किसी भारी चीज से लगातार इसके सर पे मार के इसका खून कर दिया। ये गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल इन डिबेटिंग 1985 टीसी कॉलेज। इस लड़की की लाश के पास पड़ा था। हो सकता है ये खूनी का, इसका खुद का भी हो सकता है। जब तक कोई पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कुछ कह नहीं सकते। ये क्या? सर लगता है यही है वो हथियार। ये देखिए इस पे खून लगा हुआ है। रेडी, इस हथियार को उस लड़की की लाश को डॉक्टर सालुंखे के पास पहुंचा दो, ठीक है? यस सर। ये माय गॉड, मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया। सर लगता है ये वही खूनी है जो मनु को मारना चाहता है, और उसके सर्वेंट का भी खून इसी ने किया। और इस बार खूनी ने दूसरा रंग इस्तेमाल किया है, हरा रंग। सर और रंग का डब्बा भी नहीं छोड़ा, लगता है वो जानता था कि इससे वो पकड़ा जाएगा। कोई बात नहीं सचिन, फिर से उस हार्डवेयर स्टोर में चलते हैं जहां से उसने पहले भी रंग खरीदा था, शायद इस बार भी वहीं से खरीदा हो। और इस टीसी कॉलेज में चल के पता करते हैं कि ये मेडल किसका है। Excuse me. सर आप लोग फिर से यहाँ? अब क्या हो गया? एक और खून हो गया। पिछली बार हमने तुमसे जो पूछा था वही पता करने आए। जो आदमी पहली बार यहाँ से रंग लेके गया वही आदमी दोबारा यहाँ से पेंट लेके गया है, हरे रंग का स्प्रे पेंट। कौन था वो आदमी? हाँ याद आया सर। चलो कुछ तो याद आया, कौन था वो? सर वो एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का आदमी था। मतलब? मैं जब दुकान बंद कर रहा था तभी वो आया। हाँ उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। अरे उसका चेहरा कैसा था वो बताओ। चेहरा सर
चेहरा देखने की कोशिश तो मैंने बहुत की पर देख नहीं पाया। क्यों? चेहरा क्यों नहीं देखा? उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था। मैंने जब उसे कहा कि कल आके रंग ले लेना, मैंने अब दुकान बंद कर दी है, तो वो मुझे डांटने लगा। डांटने लगा? हाँ सर, और उसकी डांट की डर की वजह से मुझे दोबारा दुकान खोलनी पड़ी। वो लाल रंग का डिब्बा मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास लाल रंग का डिब्बा नहीं है, तो उसने कहा तो दूसरा दे दो। और तुमने हरे रंग का पेंट उठा के उसे दे दिया? जी सर। अच्छा, बाद में वो आदमी किस तरफ गया? सर ये तो नहीं मालूम कि किधर गया, पर वहां से उसने एक ऑटो पकड़ा था और ऑटो वाले को बोल रहा था कि लोखंड वाला थर्ड क्रॉस रोड जाना है। लोखंड वाला थर्ड क्रॉस रोड? यहीं पे तो मनु की गर्लफ्रेंड भी रहती है। हाँ सर, त्रिशंकु अपार्टमेंट। पता कैसे चलेगा सर? सारे रिक्शा वालों से पूछताछ करते हैं, शायद हमें वो रिक्शा वाला मिल जाए जिसने उसे वहां तक छोड़ा। वही कुछ बता सकता है मैं उसके बारे में। चलो। अरे राजू, राजू, अरे वो साइकोलॉजी की बुक कहाँ रखी है तुमने? हाँ, अरे मेरा चश्मा कहाँ रखा है? अरे कहाँ चला गया था? कम से कम जाने के पहले बोल के तो जाना था। अच्छा वो साइकोलॉजी की बुक कहाँ है और मेरा चश्मा कहाँ रखा है तुमने? आपका चश्मा आपके माथे पे है। आई एम सॉरी, मैं आपको राजू समझ बैठा। वैसे आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ सर? एक खून हो गया है, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी मुझे। खून हमारे कॉलेज में? नहीं नहीं, आपके कॉलेज में नहीं हुआ है। आप जरा ये मेडल देखिए। ये मेडल आपके कॉलेज का ही है ना? जी सर, ये हमारे यहाँ का है। क्या बता सकते हैं ये मेडल आपने किसको दिया था? हाँ हाँ श्योर, जस्ट दो मिनट। ये रहा सर, ये ऋषभ नाम के स्टूडेंट को दिया गया था। ऋषभ? जी, बहुत ही हुनर स्टूडेंट था, कमाल का लिखता था, उसी के लिए उसे ये मेडल दिया गया था। कमाल का राइटर और खूनी? खूनी? जी हाँ, इसने खून किया है। आप जरा इसका एड्रेस दीजिए मुझे। यस श्योर, ये देखिए। श्याम नगर। थैंक यू वेरी मच। यस। एंड बाय द वे, ये साइकोलॉजी की बुक आपकी। थैंक यू सर। रघु यही कहीं होना चाहिए रिक्शा में। ओ देखो वहां बैठा है। अरे सर नमस्कार, आप लोग यहाँ? एक एक कटिंग हो जाए साहब। ए तुम्हें तो मालूम है चाय वाय नहीं पीते। कुछ पूछताछ करनी तुमसे। हाँ सर बोलिए सर। तुम लोग ज्यादातर रिक्शा वाले यही लोकन वाला के आसपास रिक्शा चलाते रहते हो? हाँ सर इधर ही चलाते हैं। अच्छा, कल रात को पीके हार्डवेयर से किसी आदमी को तुम लोगों ने लोखंड वाला थर्ड क्रॉस रोड पे छोड़ा था? काले रंग का कोट पहना हुआ था और कोट की टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ था। हाँ सर, उसको तो मैंने ही छोड़ा था। बड़ा ही अजीब आदमी था सर। क्यों अजीब क्यों लग रहा था? अरे सर मुझसे झगड़ने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा मीटर खराब है, 20 रुपए ज्यादा है मीटर। फिर क्या सर, 20 रुपए कम दिए और उतर कर त्रिशंकु बिल्डिंग में चला गया। तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं सर, चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन सर उसका बटुआ बड़ा कीमती था। मेरी नजर तो बार बार उसके बटुए पे जा रही थी सर। ऐसा क्या था उसके बटुए में? हरे रंग का और बहुत ही सुंदर सा ब्रांडेड। ब्रांडेड? बड़ा फैशनेबल खूनी है। अच्छा कौन सा ब्रांड है, कुछ नाम वगैरह देखा उस कंपनी का? कुछ बड़ा सा एल बना हुआ था सर उस बटुए के ऊपर। एल किस कंपनी का हो सकता है? ये तो कोई वॉलेट बेचने वाला ही बता सकता। थैंक्स। अच्छा वो आदमी कहीं आसपास फिर से नजर आए तो हमें फोन कर देना। जी साहब। चाय के लिए शुक्रिया।
ऋषभ का ही घर है ना? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। कहिए बात क्या है? बात तो बाद में बता दूंगी, पहले बताइए आप कौन है? जी मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ, केयर टेकर हूँ। आप? मैं सीआईडी से। सीआईडी से? आइए आइए। आप जरा ऋषभ को बुलाइए। ऋषभ तो यहाँ पे नहीं रहता। मैं कहाँ गया है? वो तो मर चुके हैं। मर चुका? कब? पिछले साल आत्महत्या कर ली थी उसने। आत्महत्या? लेकिन क्यों की आत्महत्या? मैडम सदमे में आ गए थे वो, जब उन्हें पता चला कि उनकी लिखने की मेहनत सब बेकार गई तो उन्होंने गोलियां खा के खुदकुशी कर ली। जवानी में आत्महत्या कर ली? वैसे आप चाय वाय लेंगे? नो थैंक यू। शॉकिंग, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। मैडम ये नाम आपने कहाँ से सुन लिया? ये स्क्रिप्ट तो ऋषभ साहब की, जो आज तक नहीं छपी। मनु की पहली किताब का नाम भी तो यही था जो स्क्रिप्ट का है। हेलो अभिजीत सर। हाँ काजल बोलो। सर ऋषभ के घर से मुझे एक स्क्रिप्ट मिली है, किताब छपने से पहले का जो ड्राफ्ट होता है वो। सर स्क्रिप्ट का नाम भी शौकीन है सर। मतलब मनु ने स्क्रिप्ट चुराई है ऋषभ की और वो चुरा के उसने छपवा दिया नाम वगैरह बदल के, ऋषभ बेचारा ऐसे ही रह गया। हाँ सर, सर इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ठीक ही है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके सर। अब तो मनु ही बताएगा सच्चाई क्या है। क्या बात है फ्रेडी, बहुत परेशान लग रहे हो तुम। परेशानी की तो बात है सर, अपराधी भी आजकल फैशन करने लगे, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ तुम भी कर सकते हो, किसने मना किया? अच्छा फिर ठीक है, कल से मैं भी अच्छी कंपनी का ही वॉलेट रखूंगा। वैसे सर उस कंपनी के बारे में पता चला, एल नाम की कौन सी कंपनी है? हाँ फ्रेडी पता चल गया, ये देखो एल से लेवेंड नाम की कंपनी है, इसके सिवा एक ही दुकान है जो अभी अभी जू में खुली है। काफी महंगी कंपनी है क्या? हाँ महंगी तो होगी, तभी तो इस ब्रांड की सिर्फ एक ही दुकान है अभी तक। फिर तो सर उस दुकान में जाके जरूर पता चल जाएगा कि वो हरे रंग का वॉलेट किसने खरीदा था। हाँ फ्रेडी इस दुकान से ही पता चलेगा उस हरे रंग के वॉलेट के बारे में। अभिजीत हम सोच रहे थे कि खून प्रीति ने किया है, लेकिन खूनी तो कोई और ही है और उसी ने प्रीति का भी खून किया है। बहुत चला के खूनी सर, इस बार तो उसने खून करने का हथियार भी नहीं छोड़ा है और हर बार वॉल पे अलग अलग कलर इस्तेमाल कर रहा है। अभिजी शौकीन, इसी नाम की किताब हमने ऋषभ के घर में देखी थी। शौकीन नहीं, उसने ये किताब चुरा के अपने नाम से तो नहीं छपवा ली है? मनु जी ये ऋषभ वही है ना जिसने रातों रात आपको स्टार बना दिया और आप आसमान पे जाके बैठ गए, और ये किताब शौकीन ये भी उसी ऋषभ की है ना जिसकी नकल उतार कर उसका खुद लेखक बन गए। क्यों? देखो सच सच बताओ क्या हुआ है, ये मत भूलो तुम्हारी जान को खतरा है। जी सर ये किताब ऋषभ ने लिखी थी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा लिखता था वो, उसे अपने काम से बहुत प्यार भी था। इस बात से जलते थे कि बहुत अच्छा लेखक था इसलिए उसकी किताब चुरा के खुद लेखक बन गए हैं, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से उसने अपनी जान दे दी, समझे? क्या ऋषभ मर गया? हाँ उसने आत्महत्या कर ली है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें,
ऐसे गंदे काम करते हो और अब हमसे कहते हो कि कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है? आइए सर, क्या दिखाऊं आप? हम लोग सीआईडी से कुछ पूछताछ करनी है आपसे। हम बोलिए सर, क्या बात है? ये बताओ कि पिछले 3-4 महीनों में आपके यहाँ से कितने हरे रंग के वॉलेट बेचे गए? बेचे हुए सामान का रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना? जी सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हरे रंग का वॉलेट वैसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं चेक करता हूँ सर। ये रही सर बिल की कॉपी। किसी नेहा नाम की लेडी ने हरे रंग का वॉलेट खरीदा है सर। नेहा ने खरीदा था ये वॉलेट? ये नेहा मनु की बीवी? एड्रेस तो लिखा है ना बिल में? जी सर, एड्रेस लिखा है। जरा बिल देना। जी सर। ये नेहा खूनी है? खूनी नेहा भी हो सकती है, और वो भी जिसे नेहा ने ये वॉलेट दिया था। नेहा से मिलते हैं, वही बताएगी। हाँ अभिजीत, ये हरे रंग का वॉलेट नेहा ने खरीदा था। हाँ ओके। टीवी अपने आप कैसे बंद हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्लग अपने आप कैसे निकल गया? Thank you.
ब्लड प्रेशर तो भी नॉर्मल है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, नेहा की हालत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। होश तो आ गया होगा ना उसे? जी हाँ, उसे होश आ गया है। हम बात कर सकते हैं उससे? अभी उससे बात करने में खतरा है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उसने खूनी को देखा है, जो जरूरी बात है हम वही पूछेंगे उससे, और कुछ नहीं। ठीक है ऑफिसर, लेकिन ज्यादा देर तक बात मत कीजिएगा। थैंक यू। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुमने जो हरे रंग का वॉलेट खरीदा था वो किसको दिया था तुमने? रोहन को दिया था? बोलो तो फिर किसको दिया था, याद करने की कोशिश करो। वही खूनी है जिसने तुम पर हमला किया था, उसी ने मनु के नौकर का और प्रीति का भी खून किया। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या बोलो? नर्स साहब, पेन और पैड। क्या नेहा, इस पे उस आदमी का नाम लिख दो जिसको तुमने वो पर्स दिया था। तो ये है वो छुपा हुआ खूनी। इससे पहले कि ये किसी और को भी अपना शिकार बनाए, इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। कामयाबियों का पिटारा भर चुका है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मरना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे सिर्फ रमेश मार सकता है, सिर्फ रमेश। रमेश? क्या? कौन रमेश? मैं रमेश, सिर्फ मैं मार सकता हूं। मनु को सिर्फ मैं मार सकता हूं और कोई नहीं मार सकता। मिस्टर मनु उर्फ रमेश, तो खूनी तुम हो। हाँ, मैं ही खूनी हूं। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। खूनी रमेश है, मैं तो मनु हूं। तुम ही मनु हो और तुम ही रमेश हो।
और तुमने ही अपने सर्वेंट का खून किया है। अब प्रीति का खून भी तुमने ही किया है और हमें गुमराह करने के लिए तुमने प्रीति की लाश के पास ऋषभ का गोल्ड मेडल रख दिया। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। वो मेडल वहां कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। इसने खुद ने ही तो खून किया है, इसे याद कैसे नहीं है? फ्रेडी, इस बीमारी में ऐसे ही होता है, ये दिमाग की बीमारी है, इसमें कुछ याद नहीं रहता आदमी को। जिस डॉक्टर ने कुछ साल पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज किया था, उसी ने हमें बताया तुम्हारी इस बीमारी के बारे में। तुम्हें अभी भी इलाज की जरूरत है। है कोई आप में से कोई बहादुर जो यहां पर आके अपनी गर्दन को रख सके? कहिए आप, आप या आप? कोई बात नहीं, मेरे दो ये असिस्टेंट हैं, ये बहुत बहादुर हैं, ये रखेंगे अपनी गर्दन वहां पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तैयार हैं? 1, 2, 3। ये जो तोप आप देख रहे हैं, मैं खुद इस तोप के अंदर जाऊंगा और यहां पीछे से इस तोप में आग लगाई जाएगी, बारूद फटेगा और मैं यहां से निकलकर वहां आप लोगों के पीछे से उस दरवाजे से निकलकर आऊंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर मैं चला। अरे भाई, जादूगर तो तोप से बाहर आया ही नहीं। अरे वो तो निकला ही नहीं यार। कहाँ गए? मेरे पति कहाँ गए? तुम लोगों ने, तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ मेरे पति कहाँ है? नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। हमने तो वही किया जो बॉस ने हमसे कहा। फिर हमारे पति गायब कैसे हुए, बताओ तो? पता नहीं मैम, आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इतने शोज किया है, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रही क्या हो गया। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे पति गायब हुए, तुम लोगों ने कुछ किया है। आगे कुछ करना पड़ेगा, अभी तो सीआईडी को बुलाना ही पड़ेगा। सचिन, तुम्हें कजदा याद है? वही जो क्लूनी मर्डर केस में गवाह था सर। हाँ वही वही। क्या हुआ सर? पता नहीं, पहले अच्छा भला आदमी था, आजकल बहुत बड़ा बदमाश हो गया है। ये जो हीरा व्यापारी की मौत हुई थी ना, उसी ने खून किया उसका। क्या नाम था उसका? फ्रेडी। वो क्या नाम था उस हीरा व्यापारी का जिसका कासनी चौक में खून हुआ है? फ्रेडी, ये फ्रेडी मैं मगन क्यों? साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? फ्रेडी, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर, सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। इसे क्या हो गया? किताब में घुस गया। फ्रेडी, फ्रेडी, आबरा का डाबरा गिली गिली झुम। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही करूंगी। फ्रेडी, क्या हो गया तुम्हें? गुड इवनिंग। सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ 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 सर। क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर, बस ऐसी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम लोग एक घंटे से देख रहे हैं, किताब के अंदर मुंह गड़ाए बैठे हुए हो। कौन सी किताब है ये, हैं बताओ। सर मैं जादू सीख रहा था सर। क्या जादू सीख रहे हो? सीआईडी छोड़ रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो सर, सीआईडी छोड़ के भूखा थोड़ी ना मर रहा है। तो सर आपको जादू सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? सर मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूँ सर। क्या 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 कह रहा है तू? क्या कह रहा है? अगर भाभी जी को पता चल गया तो?
अरे सर, उसी के लिए तो जादू सीख रहा हूँ। दिन रात उसकी हुकूमत पालता रहता हूँ। घर में कुछ भी नहीं चलती मेरी। कपड़े बीवी के पसंद के पहने पड़ते, खाना बीवी के पसंद का, जूते बीवी के पसंद के, यहाँ तक कि सॉक्स भी उसी के पसंद के पहनने पड़ते सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या जादू से बीवी को बस में करोगे तुम? हाँ, आज के बाद मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुकुम चलेगा। बीवी का नाम सुनते ही तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं, हैं? और तुम बीवी पर हुकुम चलाओगे? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, किडनैप हुआ है कि गायब हो गया है? कहाँ पे एग्जैक्टली? ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, ये जो मशहूर जादूगर है वेताल, ये गायब हो गया प्रोग्राम के बीच में से। प्रोग्राम के बीच में से गायब हो गया? तो हो सकता है अभिजीत वो ट्रिक में गायब हुआ होगा। सर, उनका कहना है कि तोप में से गोला छूटा और जादूगर गायब हो गया। तोप में से गायब हो गया? हाँ सर, तोप के अंदर घुसा हुआ था वो। अभिजीत, ये पहली बार थोड़ी है वो ट्रिक कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, चल चल कर देखते हैं। जादूगर गायब हो गया, कहीं मैं ना गायब हो जाऊं। मेरी किस्मत में अगर बीवी की सेवा करना लिखा है तो वही सही। सर आप आ गए। आप? मैं वो जादूगर वेताल की वाइफ सर, मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ बताइए जरा। सर यानी उनकी ना पूरी उम्र गुजर गई जादू करते करते, पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। यानी वो गायब हो जाते थे लेकिन दूसरी जगह से बाहर भी आ जाते थे सर। तो फिर आज ऐसे क्या हुआ जो वो वापस आ ही नहीं सके? नहीं सर, मुझे पता नहीं। हाँ, पर उनके साथ ना दो असिस्टेंट है जादू करते वक्त, उन्हें पता है सर। कहाँ है वो? वो देखिए, वो वहाँ है सर। चलो बताओ बताओ, कहाँ छुपा के रखा है जादूगर बेताल को? सर हम तो खुद परेशान है सर, और इस ट्रिक के बारे में उन्होंने हमें आज तक कभी भी कुछ भी नहीं बताया सर। इस ट्रिक के राज के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं सर। अरे वाकई सर, इस राज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है सर, और सर वो कहाँ गायब हो गए हमें मालूम नहीं है सर। अभिजीत, क्या इस तोप के राज के बारे में कुछ पता चल रहा है? कैसे गायब हो गया ये बेताल? वही देख रहा हूँ सर। एक बात बताइए आप लोग, ये जादूगर तोप में किधर से घुसते थे? सर यहाँ से घुसते थे वो, और उसके बाद हम लोग बारूद का गोला, सर ये बारूद का गोला हम लोग सर यहाँ पे रखते हैं। यहाँ इस बाती को आग लगाते थे, है ना? सर मैंने भी ये जादू देखा है सर, यहाँ तोप के मुंह से एक बड़ा आग का गोला निकलता था और फिर इसमें से जादूगर गायब हो जाता था और कहीं दूसरी जगह से बाहर आता था। यस सर, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आग के साथ साथ जादूगर भी बाहर आता था। मगर ये जादूगर आज क्यों नहीं बाहर आया? पता नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आया। सर अगर वो यहाँ से फायर के साथ निकला भी तो लगभग वहां तक जाना चाहिए सर। हो सकता है वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई। एक बात बताइए, जब शो चल रहा था तो यहाँ पे भी लोग बैठे थे? हाँ सर, यहाँ पे बैठे थे। अच्छा, इस तोप के ब्लास्ट में इतनी ताकत है कि जादूगर वहां से यहाँ तक आ सकते थे? हाँ सर। तो यहाँ तक आने पे यहाँ गिरने में चोट नहीं लगती उनको? आग के साथ आते थे तो कहीं जलवल तो नहीं जाते? नहीं सर, जलते क्यों नहीं वो तो मुझे नहीं पता, उन्हें पता है सर। ठीक है, जब भी वो मिलेंगे हम पता लगा लेंगे, मगर वो गए तो गए कहाँ? कहीं ये भी कोई जादू तो नहीं उनकी?
कि कुछ देर बाद कहीं और से बाहर निकल आएंगे और हम लोग यहाँ बिना बात के? नहीं नहीं सर, सच में ऐसे नहीं है सर। हर बार वो 10 मिनट बाद वापस आ जाते थे सर। हमेशा वापस आते थे? हमेशा सर। अरे तो हेलो, हाँ अच्छा कहाँ पर? ठीक है हम लोग आते हैं। अभिजीत सर, एंटोपिल में एक जली हुई लाश मिली है, लेट्स गो। चलिए पीछे चलिए आप लोग, प्लीज पीछे जाइए। अभिजीत, इस आदमी ने तो जादूगर के कपड़े पहने हैं। कहीं ये जादूगर बेताल तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप में से किसी ने इस लाश के आसपास किसी को देखा? अभिजीत, किसी ने भी नहीं देखा। इसका मतलब है देख दाग के छुपके से ला करके लाश को यहाँ फेंका गया है। सर लेकिन उस तोप में इतनी ताकत है क्या एक आदमी को वहां से लेके यहाँ फेंक सके? अभिजीत, ये सवाल तो तब उठेगा जब ये पता चलेगा कि ये लाश वेताल की है। लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो साळुंखे के पास। पता चला सर? पता चला तो है थोड़ा थोड़ा। अरे हमें भी तो बता दे साळुंखे। ले आगे टाइम। तारिका के कान में क्या बड़बड़ा रहा है, जरा हमें भी तो बता। नहीं नहीं मैं बड़बड़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एसीपी प्रद्युमन इज अ फैंटास्टिक मैन, करेक्ट जगह पर करेक्ट टाइम पे पहुंचते। डॉक्टर साहब, ये जादूगर आधा जला हुआ है आधा सलामत है, ये कैसी आग है जो आधे में बुझ गई? हां दया, है तो ये अजीब आग, और उस आग से भी ये मरा नहीं। क्या? जले हुए आदमी की मौत जलने से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई सर? अरे यार फेडी, इसकी मौत जलने से हुई नहीं, इसे मरने के बाद जलाया गया। बाबा इसे मरने के बाद जलाया है? मैं बता, ये देखो ये टूटी हुई पसलियां देख रहे हो बस? हाँ। हुआ यूं होगा बॉस, ये आदमी ऊपर से नीचे गिरा होगा, नीचे सीधा एक नुकीले पत्थर पर जाके गिरा होगा, नुकीला पत्थर इसकी पीठ में से घुसा, इसकी पसलियां टूटी, टूटी हुई पसलियों में से एक पसली सीधी जाकर के लगी दिल में, दिल में हुआ छेद, ये आदमी वहीं खत्म। ये देखिए, ये उस जादूगर के घर से लाया हुआ एक्सरे है, और ये एक्सरे इस लाश का है जो हमने निकाला। ये दोनों बिल्कुल मैच होते हैं, दोनों में एक ही जगह दांत टूटे हुए हैं। हाँ, एक से तो बिल्कुल मैच होते हैं। हाँ, इतना ही नहीं बॉस, एक मिनट देखो, इस लाश का डीएनए और जादूगर का डीएनए दोनों मैच होते हैं। हाँ यार, एक्सरे भी मैच हो रहे हैं और डीएनए का रिपोर्ट भी एक ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं यही आदमी जादूगर है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जादूगर इतनी दूर जाके कैसे गिरा। तो मेरी समझ में भी ये बात नहीं आ रही सर, ये जादूगर तोप में से निकल के वहां एंटोपिल कैसे पहुंच गया? ये तो बच्ची है सर, काफी पावरफुल है, 2 किलोमीटर दूर फेंक दिया उसने जादूगर को, वहां से निकला सीधा नीचे गिरा। फिर तो फ्रेडी बार बार मौत हो जाती जादूगर की, क्योंकि जब जब वो तोप में घुसता तब तब हमें उसकी लाश मिलनी चाहिए थी। है? हाँ सर, पहले भी 50 बार ये तोप में घुसा है और हर बार तोप को फायर किया गया है, पहले तो कभी ऐसा मुंह नहीं जला उसका। कौन सा ये? सॉरी सर, मोबाइल पे मैसेज आया, देख लूं क्या? देख लो, भाभी का होगा। भाभी ने जोक भेजा है क्या? नहीं सर, सीआईडी जोक है। तो तुम्हें असली को क्या हो? हाँ? ये तो कुछ भी नहीं है सर, 25-30 हजार जो घूम रहे मार्केट में। चुप रहो, क्या कर रहे हो? रेडी यार, ये जो मुझे नहीं सुना ना सर, फ्रेडी सर की हंसी को देख के लगता है
कि उन्हें जो अच्छी तरह से समझ में आए। माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एसी भी बोलते हैं दया गाड़ी जोर से चलाना, नहीं तो खूनी भाग जाएगा। सॉरी, सोचो जरा। थिएटर की कोई दीवार नहीं टूटी है, फिर भी ये जादूगर तोप में से निकलता और वहां दूर एंटॉप हिल में जाकर के गिरता है। कैसे कैसे ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तोप की वजह से नहीं मरा है, जादूगर का खून किया गया है। दया, जादूगर के घर जाना चाहिए। आप लोग मिल गए मेरे पति? अब कैसे बताएं आपको? क्या हुआ? हमें आपके पति की लाश मिली है, जली हुई लाश। किसी ने उनका खून कर दिया है। नहीं, नहीं। मेरे पति, नहीं। किसने मारा मेरे पति को? यही पता लगाने के लिए हम आए हैं। उनकी कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी हुई होगी? कहा सुनी? हाँ, एक बार उन्होंने अपने असिस्टेंट को डांटा था, अतुल नाम है उसका। उसने कुछ गलती कर दी थी, फिर वो जॉब छोड़ के चला गया, फिर वापस भी आ गया सर। कहीं अतुल ने तो प्लान नहीं बनाया इस वेताल को मारने का? हो सकता है फ्रेडी। आप इस अतुल का एड्रेस देंगे हमें? सर, एड्रेस की जरूरत नहीं है सर, वो तो आज ऑफिस में ही मिलेगा। चाकू नकली है? सब हमारे पास तो नकली चाकू होता है। जादू में दिखाया असली जाता है और इस्तेमाल नकली का किया जाता है। और ये तो? ये भी नकली है। ये वही तोप है ना जिसमें से जादूगर वेताल गायब हो गया था? जी सर। कुछ मालूम है कैसे गायब हुआ होगा वो? सर, इसके बारे में तो उसने किसी भी असिस्टेंट को नहीं बताया। सचिन, जरा अंदर घुस के देखो, ये गायब होता कहां से, क्या चक्कर है? और ये अतुल और सुमिता कहां? सर, वो तो अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। अपनी रिहर्सल कर रहे हैं, जाके ले आओ उन्हें। सचिन, यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है सर। स्लाइडिंग डोर? देखो कहाँ खुलता है ये दरवाजा, शायद उस जादूगर के छुपने की जगह होगी वो। सर, यहाँ पे एक छोटा सा केबिन है सर, लगता है तोप में आग लगने से पहले यहाँ पे आके छुप जाता होगा सर। हाँ, मगर दूसरी जगह से निकलता कहाँ से होगा? देखो कोई सुरंग बना है क्या वहां कैबिन में? नहीं सर, कोई सुरंग भी नहीं है यहाँ पे। सुरंग? ठीक है सचिन, तुम वापस आ जाओ। हाँ। संभाल के, संभाल के। तो कुछ पता चला वेताल जी के खूनी का? क्या, वेताल का खून हुआ था? सर, मुझे लगा ऐसा कि उनका खून हुआ है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि खून किया किसने? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हमें मालूम खून किसने किया, खून तुमने किया है। सर, मैं क्यों करूं कि अपने बॉस का खून? किया होगा तो सातुल ने किया होगा। यही हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ,
ये क्या मुझे फंसा रही है? ये बिना बात के मुझे फंसा रही है सर। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो। ये बताओ कौन किसने किया? सर मैं आपको कह रही हूँ ना, इसी ने ही किया है। हर बार झगड़ा करता रहता था बॉस के साथ, और हाँ मारने की भी धमकी दी थी इसने। सर ऐसे तो ये भी कहती थी, ये तो कहती थी कि बॉस को तोप के गोले से उड़ा देना चाहिए। पूछे इसे, बताओ। सर मैं तो ऐसे बस मजाक में कहती थी। ये मजाक हो गया। अच्छा तुम्हारे वेताल साहब किसी ऐसे आदमी से मिलते थे जो कभी गड़बड़ लगा? सर वो किससे मिलते थे किससे नहीं ये तो मालूम नहीं है सर। लेकिन सर एक बात जरूर अजीब थी उनमें, वो ये कि जब भी शो होता था वो शो से ठीक एक दिन पहले कहीं बाहर चले जाते थे और ठीक शो से पहले वापस आ जाते थे। हमेशा? हाँ हमेशा सर। कहाँ पे जाते थे कुछ पता नहीं क्या तुम लोगों ने? ये तो नहीं मालूम है सर, तुम क्यों नहीं बोलती हो? सर उनकी बीवी तक को नहीं पता था, अकेले ही जाया करते थे। ठीक है हमें तुम्हारे वेताल साहब के पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए। वो कहाँ कहाँ शो करने गए थे और किस किस तारीख को? सचिन इस जादूगर के बैंक में जाके देखो पिछले 3 महीनों में कहाँ कहाँ पे पैसे गए हैं, जो भी उसने खर्चा किया उस सबके बिल्स लेके आओ। सर ये लोग तो कह रहे थे कि वेताल दूसरे दिन वापस आ जाता था, इसका मतलब वो आसपास ही कहीं जाता होगा सर। हाँ फ्रेडी आसपास ही जाता होगा, और जहाँ पे जाता था वहाँ वहाँ पे जो पैसे खर्च करते थे वो तो बैंक स्टेटमेंट में पता चली जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है। सर, वेताल ने 2 महीने के अंदर अलग अलग जगहों पे 12 शोज किए हैं। अच्छा 12 शोज? हाँ सर। कहाँ कहाँ पे किए? ये मुंबई में 7 शोज, अहमदाबाद में 3, और ये थाने में 2 शोज। ये देखिए 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22 जनवरी को मुंबई में, 1 और 2 फरवरी अहमदाबाद, और 11 और 12 फरवरी थाने में। और सर जिस जिस दिन ये शो शुरू हुए है उससे बस एक दिन पहले वेताल के बैंक अकाउंट से पैसे गए। अच्छा कहाँ कहाँ गए पैसे? पूना में होटल को गया है पैसा, और पेट्रोल पंप को। ये देखिए। ओह इसका मतलब ये वेताल शो से एक दिन पहले पूना गया था अपनी गाड़ी लेके, और पेट्रोल भी वहीं पे भरवाया था। सर ये देखिए, ये होटल और पेट्रोल पंप के अलावा ये बैंक से 1,00,000 रुपए कैश भी निकाले थे। हर बार 1,00,000 रुपए? हाँ सर। और ये देखिए, और ये हर बार 1,00,000 रुपए शो शुरू होने से एक दिन पहले। सर हाँ? मुझे तो लगता है इस वेताल का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था पुणे में, इसीलिए वो बार बार मिलने जाता होगा पुणे। मैं फिर सोचने वाली बात ये है कि वो शो से एक दिन पहले ही क्यों जाता था मिलने के लिए? हाँ हर बार शो शुरू होने से पहले वो पुणे की तरफ क्यों भागता था? हाँ फिर ये तो अब पुणे जाके पूछताछ करने से ही पता चलेगा। कौन सा होटल है जहाँ पे वो ठहरा था पुणे में? ये पार्क व्यू रिसॉर्ट। होटल पार्क व्यू रिसॉर्ट। Excuse me. Good morning, sir. कहिए, how can I help you? हम लोग यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। वेताल? Sorry, sir. लेकिन हम किसी वेताल को नहीं जानते। मशहूर जादूगर वेताल? आप उसे नहीं जानते? सर, जादूगर वेताल का नाम तो सुना है, पर हम लोगों ने उसे कभी देखा नहीं। आप कौन? सर, मैं यहाँ का मैनेजर गोविंद। आप लोग? मिस्टर गोविंद, हम लोग CID से हैं। हम यहाँ वेताल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। शायद वो इसी होटल में ठहरा था। सर ऐसे तो बता नहीं सकते, वो यहाँ आया भी होगा तो कह नहीं सकते। जो उसकी शक्ल ही नहीं देखी तो कैसे बता सकते? ये देखिए, ध्यान से देखिए साहब, ये आदमी आपके होटल में ठहरा था क्या? हाँ सर।
ये आदमी यहाँ आया था और उसने कमरा भी बुक किया था कई बार, मगर वो यहाँ रुका नहीं, ज्यादा वक्त वो बाहर ही रहता था। कमरा बुक किया था मगर ठहरा नहीं, मतलब? वो यहाँ आता था मगर एक घंटे के बाद फ्रेश होके गाड़ी यहाँ पे छोड़कर कहीं बाहर चला जाता था। कहाँ जाता था कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो कार वाला बता सकता है जिसमें वो कार भाड़े पे लेता था। अजीब आदमी, अपनी कार को यहाँ पे छोड़ के किराए की गाड़ी में जाता था, कहाँ से मंगवाता था ये गाड़ी? प्रीतम कार रेंटल एजेंसी से। प्रीतम कार रेंटल एजेंसी, प्रीतम कार रेंटल एजेंसी। हेलो सर, कहिए, छोटी गाड़ी चाहिए कि बड़ी गाड़ी चाहिए? मैं छोटी गाड़ी चाहिए ना बड़ी, हमें कुछ जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? देखिए, अभी दो दिन पहले एक वेताल नाम के आदमी ने यहाँ से गाड़ी बुक करवाई थी, वो पार्क व्यू रिसोर्ट में ठहरा हुआ था। हाँ सर, और पार्क व्यू रिसोर्ट में तो हमारे यहाँ की गाड़ी आती है, लेकिन आप लोग है कौन? सीआईडी। एक खून की तहकीकात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हाँ सर, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, देखिए बेताल, बेताल का नाम यहाँ लिखा हुआ सर। ये गाड़ी वहाँ लेके कौन गया था? मैं उस ड्राइवर से मिलना है। अरे जग्गू, इधर आ। देखिए ये सीआईडी से, इन्हें तुमसे कुछ पूछना है। सीआईडी? उससे क्या पूछना है सर? होटल पार्क व्यू से उस कस्टमर को तुम कहाँ लेके जाते थे? कौन कस्टमर? हाँ अच्छा सर, वो जो मतलब अपनी गाड़ी होटल में छोड़ के जाता था। हाँ भाई सर, वो तो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे जाता था। चलो दिखाओ कहाँ है वो जगह। ये हमेशा तुम ही उसे लेके जाते थे या कोई और भी लेके जाते थे? सर मैं तो सिर्फ दो बार लेके गया, इसके पहले वो चंपक लेके जाता था। ये दोनों बार वो अकेला था या कोई साथ में था उसके? जाते वक्त तो वो अकेला होता था, लेकिन आते वक्त वो दो होते थे। ये क्या नई बात बता दी तुम? जाते वक्त अकेला, आते समय दो लोग, ये क्या चक्कर था? सब आते वक्त कोई बाई उसके साथ आता था। बाई? औरत? हाँ साहब। देखा सर, ये आशिकी का ही चक्कर है, इस वेताल का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, उसी से मिलने जाता होगा ये। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है, इस वेताल के चक्कर के बारे में उसकी बीवी को पता चल गया और उसी से मरवा दिया। ये औरत कौन थी, तुम उसे फिर से देखोगे तो पहचानोगे? सब कैसे पहचान पाएंगे, उसको तो कभी मैंने देखा ही नहीं, अक्सर वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक कर रखती थी। अरे वेताल छुपा हुआ रुस्तम, धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे पत्ते खुलने लगे। सब ये आगे से लेफ्ट लेना। अच्छा तुमने कभी उसको फोन पे बात करते हुए सुना, फोन पे या उस औरत से कुछ बोलते हुए सुना? नहीं साहब, मेरे सामने तो अधिकतर चुप रहते थे, मतलब ज्यादा बात नहीं करते थे। जो आगे राइट में रास्ता दिख रहा ना सर, तो वहां से आगे जाके। पर ये रास्ता तो शहर से बाहर जाता है। हाँ साहब, थोड़ा सा और आगे है सर, बस 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 यही। सुनसान जगह पे क्या करने आता होगा? यहाँ पे उतरता क्यों है वो? दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना घर है। यहाँ से आगे जाता। यहाँ से आगे? हाँ सर। यहाँ से आगे कहाँ? ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक घंटे बाद वो वापस आ जाता था किसी औरत के साथ। चलो चल के देखते हैं है क्या यहाँ पे। जैसे मैंने सुना कि वो अपनी कार को होटल में छोड़ देता, तभी मेरा दिमाग ठनका कि जादूगर जादू के अलावा कुछ गलत काम कर रहा था, नहीं तो भाड़े की गाड़ी लेके यहाँ पे आने की जरूरत ही क्या थी? सर हो सकता है यहीं पे अपना अड्डा बनाया हो और वहाँ से छुप के काम कर रहा हो। ये खून भी किसी गलत काम की वजह से हुआ होगा। फ्रेडी, अगर ये भी मान लेते कि गलत काम की वजह से ही हुआ है, तो फिर भी जादूगर की लाश उतनी दूर जाके कैसे पहुंची? तो देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे घर है। ओ, मतलब ये बेताल यहाँ पे आता था, शायद इन्हीं किसी घर में जाता होगा। काम करते हैं, इन घरों में जाके पूछते हैं, शायद किसी ने वेताल को देखा हो। सुनिए भाई साहब, क्या पहचानते हैं इसे आप? मैडम ये
इस आदमी को आपने यहाँ पे कहीं देखा है? या भी के इलाके में रहता है? नहीं सर, नहीं देखा। क्या है? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? सीआईडी वाला हूँ, सीआईडी वाला, समझे? सीआईडी वाले चोरों वाली हरकतें कब से करने लगे? ये चोरों वाली हरकत लगती है तुमको? मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई घर में है भी कि नहीं। चलो अब तुम मिल गए हो तो ये फोटो देखो और बताओ, इसे देखा है कभी? हर ये तो अगले वाले घर में रहता है, महीने में आते रहता है। अभी घर पे है या नहीं ये नहीं बता सकता मैं। थैंक्स सर, उस आदमी का घर पता चल गया सर। हाँ सर, आइए सर। हाँ, यहाँ पे रहता है। तो इस लॉक को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि ये अंदर से लॉक है या बाहर से? हो सकता है ये बाहर गया हो। देखो अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? बड़ी अंदर चलो, और हाँ ध्यान से होशियार रहना, खून ही अंदर हो सकता है। अरे सर मुझे मत भेजिए ना, पहले आप जाइए, मैं आता हूं पीछे पीछे। गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खींची गई है, मतलब साफ है इस आदमी का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर, ये खून उसकी बीवी ने किया है, उसे पता चल गया होगा गर्लफ्रेंड के बारे में। सर मुझे भी ऐसे ही लगता है कि उसका खून बीवी ने शो में ही कर दिया होगा, ताकि दुनिया ये समझे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। चुप जाओ। हाथ ऊपर, कोई होशियारी नहीं है। कौन हो तुम? सर मेरा नाम सुजीत है। सर आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से एक खून की छानबीन कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सीआईडी खून? हाँ, वेताल को जानते हो ना? नहीं साहब, ये कौन है वेताल? ये वेताल है, इसका घर है ये। नहीं साहब, मुझे तो रतुल साहब ने भेजा था। लेकिन तुम ये औरत के भेस में क्यों आए? रतुल साहब ने कहा था औरत के भेस में जाना, इससे कोई तुमको पहचानेगा नहीं। और तुम्हारे ये रतुल साहब कहाँ है? आज शाम की ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। ओह सचिन, इससे पहले कि रतुल हमारे हाथ से निकल जाए हमें इसे पकड़ना होगा। हमारे सारे सवालों का जवाब यही देगा। तुम जानते हो रतुल को? सर मैं तो आज पहली बार मिला उससे। सर उसने मुझे पैसे का लालच दिया, मैं तैयार हो गया। कितने बजे मिलने वाला था वो? उसने कहा था कि उसकी 6:30 बजे की ट्रेन है, वहीं पर मिलूंगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है कुछ मालूम है? कौन सा कोच, सीट नंबर कुछ बताया उसने? सर इतना कुछ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इतना पता है कि वो सर राजधानी ट्रेन से जाने वाला है। सर वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। और वो मिलेगा कहाँ पे ये तो बताया होगा ना? सर स्टेशन पे मेरे एक दोस्त की दुकान है, सर वहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, जैसे वो दिखाई दे हमें इशारा कर देना। और सुनो, कोई चालाकी नहीं समझे,
गया? हाँ। सामान लाया? हाँ। इसी में? हाँ। ना डर क्यों रहा है? नहीं। डरेगा क्यों नहीं? सीआईडी जो है पीछे, हाँ? डरना तो पड़ेगा। क्यों? हाँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तैयार हो जाओ। भागने का कोई रास्ता नहीं है। दादा सिखा मत मुझे। सिखाने रहे, बता रहे तुझे। बंदूक है मेरे पास, एक एक उड़ा दूंगा। गन हमारे पास भी है। ड्रामा बंद, चुपचाप खड़ा रहे। चल गंदे गंदे। तुझसे कहा मैंने, भागने का कोई रास्ता नहीं है। छोड़ दे उसको, छोड़। अब कुछ खा के जाओ। पानी पानी। क्यों क्यों मारा तुमने बेताल को? हाँ मैंने मारा उसे। मेहनत मैं करता था और मजे वो लूटता था। पैसे भी तो देता था ना वो? देता था लेकिन बहुत कम। मजदूर जैसा बर्ताव करता था मेरे साथ। मेरी वजह से उसने इतना नाम कमाया दुनिया में। तुम्हारी वजह से नाम हुआ बेताल का? हाँ मेरी वजह से। मैं उसकी तरह दिखता हूं ना? अगर मैं नहीं होता तो जादूगर बेताल ये एक्ट कभी पूरा नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कामयाब होता? यहां मैं तोप में घुसता था और वो वहां दूसरी जगह से निकलता। हाँ ट्रिक तो अच्छी थी तुम दोनों की। मेरे बगैर वो कभी कोई शो करता ही नहीं था। जब भी शो होता था उसके एक दिन पहले वो मुझे लेने आता था। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही थे जो घूंघट में उसके साथ में आते थे? हाँ वो कोई औरत नहीं, वो मैं ही था। बेताल चाहता था कि उसकी असलियत दुनिया के सामने ना आए, इसलिए वो मुझे छुपा के लाता था। तो वो घर क्या तुम्हें बेताल ने देके रखा था जहां पे तुम रहते थे? हाँ जरूरत भी तो उसी की थी। इतना पैसा कमाया उसने मेरी वजह से। मान लिया कि तुम्हारी वजह से उसने पैसे कमाए, मगर तुम्हें पैसे भी तो देता था वो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर के उसका खून कर दो। काम छोड़कर जा सकते थे तुम। कोशिश की थी मैंने, काम छोड़ना चाहता था मैं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता था। कहता था अगर मैंने काम छोड़ा तो मैं जान से जाऊंगा। सर कमाल का आदमी था ये बेताल। एक तो फायदा उठा रहा और ऊपर से धमकी भी दे रहा। तुमने उसे मारा कैसे? मैं हमेशा उससे कहता था कि कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि उसकी जगह पर मैं परफॉर्म करूं। मैं क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहूं? मैं असली जादूगर बनूं और वो नकली। मतलब वो तोप में घुसेगा और तुम दूसरी जगह से बाहर निकलोगे। और मेरे बार बार कहने पर वो मेरी बात मान गया। और मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी कि कब मुझे वो मौका मिले और मैं उसका काम तमाम कर दूं। और लोगों को पता ही नहीं चलता तुम्हारे बारे में, है ना? हाँ उस दिन जैसे ही इंटरवल हुआ और आखिरी एक्ट की तैयारी चल रही थी तब बेताल जब काफी देर तक नहीं लौटा तो वहां पे हंगामा हो गया।
तभी मैं मौका देखकर भेस बदल कर ऑडिटोरियम के पीछे के रास्ते से निकल गया। अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बेताल को मैंने बेहोश किया, उसके बाद उसके बॉडी को बिल्डिंग से धक्का दे दिया। फिर उसकी लाश को जलाकर फेंक दिया। मैंने सोचा था साहब मैं यहां से भाग जाऊं, दूर चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं और जाके रह लूंगा। अच्छा, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि हमारे पंजों से बचना बहुत मुश्किल है। सोचा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझ तक पहुंच जाओगे। तुम्हें लगा कि हम लोग ये मान लेंगे कि जादूगर बेताल की मौत एक हादसे में हुई? हाँ, और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता तो अब भी साफ है, मगर फांसी का रास्ता। अब दुनिया का कोई भी जादू तुम्हें बचा नहीं सकता फांसी के फंदे से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.